वेलकम एवरीवन, आज हम लोग वेनम लेट देयर बी कार्नेज का एक पोस्टर मेकिंग करेंगे। उसके लिए पहले एक पेज ले लेंगे, उसके लिए कंट्रोल प्लस एन प्रेस करें और ऐसा एक पेज ले लेंगे क्रिएट। इसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड है उसको लाएंगे। इसके बाद जो रेड वेनम है कार्नेज उसका भी पीएनजी लाएंगे, मतलब हमारा जो जो फाइल्स है उन सबको लाएंगे। इसके पीछे लेके जाएंगे और इसको थोड़ा रिसर्च कर लेंगे। ओके, अभी और ऊपर का जो लेयर है इसको ऑफ करेंगे और नीचे वाला जो वेनम लेयर है इसको बैकग्राउंड के साथ मैच करेंगे। इसके लिए पहले एक कर्व ले लेंगे, कर्व्स, कर्व का सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अभी जो ऑटो बटन है इसके ऊपर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे और इनहेंस पर चैनल कॉन्ट्रास्ट इसमें क्लिक करेंगे और यहां से बैकग्राउंड का सबसे जो डार्क कलर है उसको चूज करेंगे। ओके, अभी हाईलाइट और अभी मिड टोन। ओके ओके नो, देख सकते हैं पहले से थोड़ा मैच हो चुका है। अभी इसके ऊपर हम लोग एक चेक लेयर क्रिएट करेंगे और बिना सैचुरेटेड कोई भी कलर ले लेंगे, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग करेंगे कलर। अभी इसके ऊपर वेनम लेयर के ऊपर एक लेवल्स का लेयर लेंगे बैकग्राउंड के साथ लाइटनेस मैच करने के लिए। लेवल्स क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया हुआ है। ओके, अभी चेक लेयर का ब्लेंडिंग मोड हम लोग करेंगे ल्यूमिनोसिटी और एक ह्यू सैचुरेशन लेयर लेंगे और पीछे वाला लेयर के साथ मैच करने का कोशिश करेंगे। ओके, अभी हमारा चेक लेयर को डिलीट कर देंगे और ह्यू सैचुरेशन लेयर सब जगह में अप्लाई हो चुका है वेनम लेयर का, यहां से हम लोग रिमूव करेंगे। इसके लिए ब्रश लेंगे और ब्लैक से हाइड करेंगे बिकॉज इसका कलर बिगड़ चुका है ह्यू सैचुरेशन के लेयर के लिए। अभी इन सब के ऊपर एक ह्यू सैचुरेशन लेयर लेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, कलराइज ऑप्शन ऑन, बैकग्राउंड के साथ मैच करके एक कलर लेंगे, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाएंगे। ओके, कंट्रोल आई इनवर्स। अभी व्हाइट से पेंट करेंगे जहां जहां पे हाईलाइट क्रिएट करना है हम लोगों को। इस प्रोसेस को मैं स्पीड अप कर दूंगा। अभी इसके ऊपर ब्लेंडिंग अप्लाई करेंगे, इसके लिए डबल टैप, ब्लेंडिंग आएगा यहाँ से रिमूव करेंगे
ऑल्ट प्रेस करके ट्रांजिशन स्मूथ करेंगे। जहां जहां पे ज्यादा लगे वहां से ब्लैक से हाइड करेंगे। ओपेसिटी डाउन, देख सकते हैं अभी हमारा जो वेनम लेयर है इसके ऊपर डबल टैप लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स आएगा। यहां से आउटर ग्लव स्क्रीन और ऐसा एक कलर लेंगे, ऐसा एक कलर लेंगे, ओके। इसका ओपेसिटी डाउन, ओके। अभी हमारा जो टेक्स्ट है वेनम का उसको भी लाएंगे। इसको मिडिल में लाने के लिए हम लोग हमारा जो नीचे वाला लेयर है उसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे, सिलेक्शन आएगा और टेक्स्ट लेयर में जाकर इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी डी सिलेक्ट। ये थोड़ा डार्क है इसके लिए इसके ऊपर एक लेवल डालेंगे, इमेज एडजस्टमेंट लेवल्स। ओके, अभी हमारा जो बैकग्राउंड लेयर है इसको कॉपी करके कंट्रोल जे एकदम ऊपर में लेके जाएंगे, फिर फिल्टर ब्लर गॉशियन ब्लर, ओके। इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग करेंगे सॉफ्ट लाइट और ओपेसिटी डाउन कर देंगे 40%। इन सब के ऊपर एक कलर लुकअप लेंगे, कलर लुकअप, ओके। इसका ओपेसिटी हम लोग करेंगे 25%, एंटर। और एक स्टैम्प विजिबल लेयर लेंगे, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस करें, फिर जाएंगे फिल्टर कैमरा रॉ फिल्टर और यहां पे आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ओके, फिर और एक स्टैम्प विजिबल लेयर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, फिर जाएंगे फिल्टर टोपेज लैब एडजस्टमेंट 5, कलर बूस्ट अप्लाई क्लैरिटी, ओके। इसका ओपेसिटी हम लोग रखेंगे 20%। फिर और एक स्टैम्प विजिबल लेयर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, फिर जाएंगे फिल्टर अदर हाई पास, ऐसा ही रहने दे, ओके। इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग करेंगे ओवरले और ओपेसिटी करेंगे 75%। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, बी पॉजिटिव कीप ट्राइंग।